टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, ट्रिक्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये वीडियोस हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक का नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा, जो कि और दूसरे नंबर से डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो गिवन नंबर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको आपने डबल कर देना है, और उसे जो बचा हुआ नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। और जब आपको पता लग जाए कि जो बचा हुआ नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि 826 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका लास्ट डिजिट लेंगे 6, और इसका यहाँ पे डबल कर देंगे। 6 का डबल होता है 12, और इसको इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7, तो 70 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 826 भी 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2401। तो क्या 2401 7 से डिविजिबल है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लेंगे और इसका डबल कर देंगे यहाँ पे, और बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 3 और 2 ऐसे ही रह गया। तो अभी भी हमें पता नहीं लग रहा है कि 238 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इस प्रोसेस को एक बार और करेंगे। 8 को अगर हटा दिया तो इसका डबल यहाँ पे आएगा, 8 2 जा 16, और इसको बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 23 माइनस 16 कितना होता है? 7। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2401 भी 7 से डिविजिबल होगा। क्या 905 7 से डिविजिबल है? हमें पता नहीं है, तो हम इसे भी वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हटाएंगे और इसका यहाँ पे डबल लिख देंगे। 5 का डबल होता है 10, और 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा? 80, और 80 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब 905 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 1940372 7 से डिविजिबल होगा? तो इसे भी वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले लास्ट नंबर को हटाएंगे और उसका डबल यहां पे लिख देंगे। 2 का डबल होता है 4, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 4 3, 3 ऐसी बच गया 0,
9 और 1। अभी भी पता नहीं लग रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इस प्रोसेस को फिर से फॉलो करेंगे। 3 हटाया, इसका डबल लिखा है यहाँ पे, 3 का डबल होता है 6, और इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां से एक बोरो लिया तो ये 13 हो गया, तो 13 माइनस 6 7, यहां पे बच गया 9, यहां पे बच गया 3, ये ऐसे आ गया और ये भी ऐसे आ गया। अभी भी पता नहीं लग रहा है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर से इसी को फॉलो करेंगे। इसको काटा, 14, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 1 2, 9 और 1। अभी भी पता नहीं लगा, फिर से वही प्रोसेस। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही आसान है समझने में और याद रखने में भी। तो 5 का डबल होता है 10, 2 ऐसे आ गया, 9 माइनस 1 8 और 1 भी ऐसे आ गया। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे करते हैं, 2 को हटाया तो यहाँ पे 18 ऐसी है, तो 2 को यहाँ पे हटाया तो ये बचा, ये बन गया नीचे 4। तो 18 माइनस 4 होता है 14, और जैसा कि हम जानते हैं कि 14 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 1940372 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा कितनी आसान ट्रिक थी ये, समझने में भी आसान और याद रखने में भी आसान। डिविजिबिलिटी के और रूल्स देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं। हमारे नए नए वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।